अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पास्ता की रेसिपी। पास्ता जो है वो सूजी से बना हुआ है, बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाता है और खाने में भी बहुत हल्का है। इसके लिए सबसे पहले मैं पानी में नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें डलेगा कुकिंग ऑयल, ये पास्ता हमारा 5 से 10 मिनट में बॉयल हो जाएगा। पास्ता हो गया तैयार, ये अच्छे से बॉईल हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये आपस में चिपके ना। तो मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 2 गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं, उनको बारीक बारीक इसमें काट के डाला है। मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया। 1 चिकन क्यूब डाली है मैंने, चिकन का अपने ही पानी में डिजॉल्व हो जाएगी। मैंने 1 कप फ्रोजन ऑलरेडी स्टेयर फ्राइड जो है वेजिटेबल डाली है इसमें, आप इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। 4 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी, वन टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डलेगी, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डलेगा, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून इसमें डलेगा विनेगर। अब इसमें हम सारा पास्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पास्ता को, ताकि सारा वेजिटेबल चिकन और पास्ता अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो हमारा सूजी से बना हुआ पास्ता तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।